नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के बारे में, और ये जो रिक्वायरमेंट निकाली है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की एक कंपनी है, और इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट निकाली है। जैसे आप देख सकते हो 10th 12th और ITI आपने अगर पास करके रखे हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथ आपको बताया जाएगा कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहने वाले, सारे चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह से जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए डेली अपडेट आपको इस चैनल में दिया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसका PDF डाउनलोड कर चुका हूँ, और ये जो वैकेंसी जारी किया गया था 25 जून को जारी किया गया था, और यहाँ पर देख सकते हो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लांट प्लाजा रोड धारवा रांची झारखंड, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली है रांची झारखंड से वैकेंसी निकाली है। एक्चुअली ये जो वैकेंसीज है आपका एज ए ट्रेनिंग रहेगा, जैसे आप 10th 12th पास है तो यहाँ से आप ITI कर सकते हो, और यहाँ से आपने अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखे तो आपके यहाँ से जब वैकेंसी निकालता है डिपार्टमेंट में तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब 100% आपको चांसेस रहता है कि यहाँ से जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके गए हैं उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी है, तो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपको ट्रेनिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ITI आप अगर पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो सेशन आप दे सकते हो 21-22 और HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट STI 21-23, यानी कि आपका जो है 21-22 आपका CTIS ट्रेनिंग रहेगा CTS का, और इसका देन इसका CTS कंप्लीट करने के बाद आपका HEC ट्रेनिंग रहेगा जो कि STI के द्वारा, यानी कि HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची झारखंड द्वारा, यानी कि दो तरह से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पर जो ट्रेड रखा गया है, तो जैसे ITI के लिए भी यहाँ से ट्रेड दिया गया है, आपने अगर ITI नहीं कंप्लीट कर रखे 10th 12th पास भी है तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड है, आपको इस ट्रेड को चुनना। जैसे आप ITI में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर जिसमें वहाँ पर बहुत तरह का ट्रेड रहता है उस समय आप जो ट्रेड चुनते हो सेम उसी तरह से आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है जब आपको काउंसलिंग किया जाएगा, आपने अगर 10th 12th पास करके रखे तो आपको भी वहाँ पर ट्रेड चुनने को मिलेगा, और इसका जो मेरिट होगा आपका 10th और 12th के आपका मार्कशीट के आधार पर आपका मेरिट किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड रहेगा उस ट्रेड का आपको चुनना। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन है जिसमें 20 सीटें हैं, फिटर है जिसमें 40 सीटें हैं, और मशीनिस्ट है जो कि 16 सीटें हैं, वेल्डर है 40 सीटें, कोपा है 48 सीटें, और स्विंग टेक्नोलॉजी टेलरिंग की है 42 सीटें। और इसमें सभी जैसे आप देख सकते हो फिटर इलेक्ट्रिशियन 2-2 साल का कोर्स होता है, और मशीनिस्ट भी 2 साल का कोर्स होता है, जनरली सभी को पता होगा, बाकी जो कोर्सेस है 1-1 साल का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है इस तरह से आपका यहाँ 206 पोस्ट रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन की बात करें, तो यहाँ पर आपका 10th 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो बात करते हैं तो उसमें 10th 12th में जो आपका नंबर आया है उसी आधार पर आपका काउंसलिंग मतलब मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और उसी के अनुसार से आपको काउंसलिंग पर बुलाया जाएगा जो कि रांची में बुलाया जाएगा इसका काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो ITI के लिए भी यहाँ पर है, देख सकते हो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर देखिए देख सकते ITI के लिए जो ट्रेड है ITI कोर्स एंड कंपनी इज प्रोवाइडिंग ATS अप्रेंटिसशिप टेस्ट स्कीम एंड NTS। तो ITI के लिए यहाँ पर ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग है, टेक्नोलॉजी सॉरी टेलरिंग है। तो इस तरह से आपने अगर ITI कंप्लीट करके रखे हैं तो भी आप इस यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो एज ए ट्रेनिंग बेसिस पर, और यहाँ से अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो और ATS भी कर सकते हो, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपको यहाँ पर रखा जाता है। और आपने अगर 10th 12th किए हैं और आप अगर ITI करना चाहते हैं तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो भी उतना वैल्यू नहीं रहता है, और आपको यहाँ से अगर करते हैं तो आपको आपको जॉब मतलब सिक्योर रहेगा कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी आएगा तो आपको 100% प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। चलिए बात करते हैं इसका जो वेबसाइट है अप्लाई करने का, तो इसका जो मेन वेबसाइट है www.HECLTD.com, तो इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करने हैं, और वहाँ पर आपको इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है,
और उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको इसमें पोस्ट करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आपका देख सकते हो ओपन राउंड काउंसलिंग, तो इसका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा 7/9/2021 तक इसका काउंसलिंग होगा। तो और इसका जो काउंसलिंग होगा आपको मेरिट के आधार पर होगा। तो 10th 12th में आपका अगर अच्छा मार्क्स है तो आपको 100% चांसेस है कि आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका एज की बात करें तो 14 से लेकर आपका 40 तक आपका अगर एज है तो भी इसमें एडमिशन कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और नंबर नेम ऑफ द बैंकर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सारा बैंक का डिटेल्स दिया गया है, तो आप इनके बैंक के डिटेल्स जो दिया है आप इस पोस्ट में इसका पेमेंट भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट है इसका। तो पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको इस पोस्ट करना है, तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्रोसेस फॉर द सीनियोरिटी की बात करें तो आपका 10th और 12th में जो आपका मार्क्स आया है उसी के आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसी के आधार पर आपको जो है वहाँ पर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। वेट की बात करें तो 10th पास अगर आपका है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वेट की एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एज की जो काउंटिंग की जाएगी 31 जुलाई 2021 से काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम जो आपका एज है 14 रखा गया है और मैक्सिमम जो एज है 40 रखा गया है। तो आप अगर 10th पास के हाल फिलहाल में तो आपको यहाँ से एडमिशन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ से एडमिशन कर लेते हैं तो आपको ITI करने के बाद यहाँ से 100% चांसेस रहेगा कि आपको जॉब मिलेगी वहीं उसी डिपार्टमेंट में। और आपका अगर एज भी ख़त्म हो गया और आपने वो कोई भी टेक्निकल नहीं करके रखे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 40 तक मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST के लिए 10% है, और SC के लिए 10% है, ST के लिए 26% है, OBC के लिए 14% है, EWS के लिए 10% है, और जनरल के लिए 48%। जो आपका नंबर है इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 750 रुपये रखा गया है OBC और NCL और EWS के लिए। बाकी जो है आपका SC ST और PWD के लिए और डिसेबिलिटी के लिए आपको किसी तरह से आपको कोई तरह से चार्जेज नहीं लगेगा, फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे 2 साल तो यहाँ पर इस तरह से पेमेंट लिया जाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 300 लगेगा वन टाइम, देन इसमें मैगनीज फ़ी आपका 1 टाइम 400 लगेगा, लाइब्रेरी फ़ी लगेगा 500, एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा 6000। इस तरह यहाँ पर आपका जो 2 साल का ट्रेनिंग होगा आपको सारा यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी एंड चार्जेस बाय ट्रेनिंग्स की बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो और इसकी जो वेबसाइट है www.hecltd.com, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो फॉर्म है आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड करके आपको फॉर्म को फिल करके आपको इस पोस्ट कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं सारी चीज़ आप दिया गया है, तो आप इनको देख सकते हो। और काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका काउंसलिंग होगा तो उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उस समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ जो देख सकते हो पोस्टल जो एड्रेस दिया गया है तो इसी एड्रेस पर आपको पोस्टल करना है। जैसे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ऑन बिफोर 31/7/2021 अप टू 5 बजे इधर HTI काउंटर बाय द पोस्ट एड्रेस। तो आपको स्पेस पोस्ट करना है इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। आपको अगर कोई तरह से जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, लैंडलाइन नंबर, यानी कि इस नंबर पर फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हो। और यहाँ पर सारी चीज़ आप दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो आप काउंसलिंग कब होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ इनको रीड कर सकते हो। मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो मैं ऐसा करूँगा आपको अगर इंटरेस्टेड होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, आपको अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों मेरे घर में अभी शादी है मेरे भैया का, इसलिए मैं अभी कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। देन सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैं अभी गाँव आ चुका हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।